हेलो एवरीवन, गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। क्लास को जल्दी से ज्वाइन करके इसका जो लिंक्स है, जितने भी रेलिवेंट ग्रुप्स है जहाँ पे आपको लगता है पढ़ाई होती है, वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, क्विकली ज्वाइन द सेशन, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों हम लोग कल आपका देख रहे थे ड्रामास को, है ना। ड्रामास और जो थिएटर्स है उसको हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। एंड आज जो है ना, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पोर्शन पढ़ा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो ड्रामास रह गए थे वो हम करेंगे। एंड यस, जो क्लासिकल डांसेस हैं है ना, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, आपके मेंस के एग्जाम में। तो विल ट्राई टू कवर योर ड्रामा वाला पोर्शन एज वेल एज योर क्लासिकल डांस का। जितना हम आज कवर कर सकते हैं उतना आज, और फिर बाकी हम कल कवर करेंगे। होपफुली आपने घर जाके जो मैंने आपको ड्रामास के लिए काम करने के लिए कहा था कि आपको एक पेज पे टेबल बनाना है ना। यू हैव टू मेक अ टेबल और उसके अंदर कॉलम्स में ड्रामा किस स्टेट से है, उससे जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, थीम क्या है उसका, उसकी स्पेशलिटी या फीचर क्या है, वो आपने टेबल बनाना शुरू कर दिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बच्चों जल्दी से लेक्चर के लिंक को शेयर कर दो जितने भी रेलेवेंट ग्रुप्स हैं वहां पे, है ना। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया आपके साथ में। एंड यस, एक चीज आपको यहाँ बतानी थी, मैंने ये बना दिया है और अपना टेलीग्राम का जो चैनल है ना, उसका नाम यहीं पे नीचे लिख दिया है। सो स्लाइड के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो भी मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। ये टेलीग्राम है सोनप्रिया मैम टेस्ट बुक, आप इस नाम से सर्च कर सकते हो। मैंने ये यहीं पे लिखवा दिया है, ठीक है। इट विल हेल्प यू आउट, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे सारे क्लासेस का, स्ट्रेटेजी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। सो बच्चों हम लोग थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो टॉपिक कर रहे थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक होता है रिचुअल थिएटर, है ना, एक होता है रिचुअल थिएटर। और जो रिचुअल थिएटर होता है वो बेसिकली आपके डिवोशन, पूजा, आराधना, उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरे कुछ होते हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के भी सोर्स होते हैं, है ना, जो आपके एंटरटेनमेंट के भी सोर्स होते हैं। सो इन दोनों का बेसिक जो डिस्टिंग्विश होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हम लोग ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यस, कुछ और हैं थोड़े से जिनको हम देखेंगे। एंड मैंने आपको कल एक और चीज दी थी, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, यूनेस्को जो है वो जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट या इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स को इंक्लूड करती है ना। वो आइटम्स कौन कौन सी होती हैं, इंडिया से कितनी आइटम्स हैं उसके अंदर, और वो किस किस कैटेगरी से आती हैं। म्यूजिक से आती है, हैंडीक्राफ्ट से आती है, डांस से आती है, ड्रामा से आती है। आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच में डिफरेंस पता है? आपको इनटेंजिबल एंड टेंजिबल, कल्चरल हेरिटेज तो ठीक है ना, कल्चरल हेरिटेज तो ठीक है, सांस्कृतिक विरासत हो गया, है ना। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब विरासत, तो ठीक है, वो तो ठीक है कि सांस्कृतिक विरासत हो गया। बट एनी वन ऑफ यू कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता होगा, क्योंकि यूनेस्को की जो लिस्ट है ना, वो टेंजिबल के लिए भी है
और इनटेंजिबल के लिए अलग से है। बताइए अनमोल, बताइए। यस, जिन लोगों को पता है थोड़ा सा, प्रिंसेस जो भी हैं आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर सकते हैं, अपना जो आपने लिखा है आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। जो हम देख सकते हैं, है ना, जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज जो हम टच करते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है। ओके, इनटेंजिबल जो होता है बच्चों, वो चीजें होती हैं जिनको आप फिजिकली टच करके देख सकते हो। जैसे कि आपकी कोई स्कल्पचर है ना, आपकी कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, एक्सक्यूज मी, आपकी कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग वास्तुकला जिसको आप टच कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, फिजिकली वो आपके सामने है। इंटेंजिबल, यहां पे आपका, जैसे मैंने कहा, इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर आपको डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब मिलते हैं, है ना। डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब मिलता है जिनको आप महसूस कर सकते हैं। अमूर्त भी बोलते हैं इनको, इंटेंजिबल को अमूर्त भी बोलते हैं। जो इनको आपके सामने अगर कोई डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, वो आपके सेंसेस को, आपको इंद्रियों को तो अफेक्ट करता है ना। आप फील करते हैं, आपके अंदर इमोशंस को इवोक करता है वो, आपके अंदर इमोशंस जो है उसको वो इवोक करता है। बट कोई डांस ऐसा नहीं है कि आप जाके उसको डांस फॉर्म कोई कर रहा है उसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल मतलब जो चीजें फिजिकल होती हैं, जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग, ताजमहल, है ना। इंटेंजिबल में आपके डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब कुछ होता है अमूर्त। सो आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है। चांसेस हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो इंटेंजिबल से पूछे जाएंगे, इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम्स होती हैं, अगर आपने उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया, डिटेल इन द सेंस जो 4-5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो मान के चलिए प्रीलिम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। क्योंकि जनरली आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लोग कि पूरा कल्चर का पढ़ के आ जाओ आप। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट, एज अ कैंडिडेट जो आईएएस बनने की वो है, जो इतनी अच्छे सर्विसेज में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको एटलीस्ट जो हमारे कल्चर का मोटा मोटा है ना, वो तो पता हो कम से कम। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को रिलीज कर रही है और इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो आपको के एटलीस्ट उन आइटम्स के बारे में तो पता हो, है ना। यू हैव टू बी अ नॉलेजेबल कैंडिडेट। आपकी नॉलेज को भी तो टेस्ट करते हैं वो लोग वहां पे, है ना, नॉलेज का भी टेस्ट है। तो एटलीस्ट मोटा मोटा पता हो। तो अगर आप इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो आइटम्स दी गई हैं उनका केवल 4-5-6 पॉइंट्स पढ़ लेंगे, तो मान के चलिए प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सत्यम संगम एज तो पूरा चैप्टर बनाया है मैंने, पूरे 2-3 दिन पढ़ाया है लोगों को, नहीं है वहां पे, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, डीप साउथ के नाम से होगा वो, ठीक है, डीप साउथ के नाम से होगा, देखना सर्च करना मिल जाएगा। इस नाम की कोई वीडियो मिली थी, डीप साउथ।
काजल आपने जो लिखा है, क्या लिखा है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल फिजिकल नहीं होता, टेंजिबल जो होता है वो फिजिकल होता है। आपने उल्टा लिखा है, देखो एक बार चेक करो। टेंजिबल इज फिजिकल असेट, इनटेंजिबल इज जो फिजिकल असेट नहीं है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जिनको आप फील कर सकते हो, जो आपके अंदर इमोशंस को इवोक करते हैं, है ना, जो आपके अंदर इमोशंस को इवोक करते हैं, वो आपके इनटेंजिबल के अंदर आते हैं। चलिए हम अपना जो थिएटर्स है उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैं आपको कल जात्र के बारे में बता रही थी, और मैंने आपको कहा था कि जो जात्राज हैं वो आपके ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली आपके बंगाल, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन है वहां पे काफी फेमस होते हैं, और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी है ना, जात्रास के अंदर जो ड्रामास परफॉर्म करा जाता है वो आपके कृष्णा से रिलेटेड थीम्स पे होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके वैष्णव संत है ना, चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु जो एक वैष्णवाइट सेंट है, भक्ति भक्तिज्म में हमने पढ़ा था वैष्णविज्म क्या होता है, तो जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण को सुप्रीम गॉड मानते हैं अपना, दीज आर द पीपल जिनको हम वैष्णवाइट सेंट्स बोलते हैं। तो जो आपके वैष्णवाइट सेंट्स हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस है ना, और इन्होंने बंगाल वाला जो रीजन है आपका, बंगाल उड़ीसा, इसमें इनका काफी प्रभाव रहा, जहाँ कृष्ण भक्ति को इन्होंने प्रमोट किया। तो जात्रास जो है इनसे जुड़े हुए हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके आगे हम कुडियट्टम की बात कर रहे थे, और मैं आपको बता रही थी कि कुडियट्टम जो है वो केरला का फेमस डांस ड्रामा है ना, आपका केरला जो है उसका फेमस डांस ड्रामा है, और ये आपका जो कथकली डांस है ना, जो कथकली हमारा क्लासिकल डांस है उससे भी जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स उसको पहनाया गया है, जिस टाइप का ड्रेसिंग उसको करवाया गया है, वो आपके कथकली डांस से मिलता जुलता है ना, वो आपके कथकली डांस से मिलता जुलता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो कुडियट्टम इज फ्रॉम केरला, और ये आपके एक फेमस डांस ड्रामा है जो कथकली से भी जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं मांच की। ये आपके मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला हिस्सा है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, और इसके अंदर जो थीम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, कुछ कुछ जो है वो आपके रामायण महाभारत है ना, जो माइथोलॉजी है, धार्मिक हो सकते हैं, है ना, कोई लोक कथा जो फोक टेल्स होती है आपकी। मांच जो है वो एक फेमस ड्रामा है आपके मध्य प्रदेश से, और इसका जो थीम है वो वेरी करता है, माइथोलॉजी भी हो सकता है, कोई फोक टेल या लोक कथा हो सकता है, या कोई रोमांटिक जो स्टोरी होती है ना, जो कोई रोमांटिक प्रेम प्रसंग वाली कहानी है वो भी इसका थीम हो सकती है। नौटंकी, हम अक्सर अपने दोस्तों को बोलते हैं यार तू तो नौटंकी मत कर, है ना, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा मत कर, यही होता है ना उसका मतलब, यार नौटंकी मत कर, यार यार वो बहुत नौटंकी करते हैं, है ना। तो नौटंकी में क्या होता है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन पे फोकस करके हर चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और इस ड्रामा में भी सच्ची में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो नौटंकी जो है आपके नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे नौटंकी की स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चीजों को ओवर एग्जेजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ना, और इसमें साथ में जब डायलॉग्स बोलते हैं तो म्यूजिक, डांस, ये सब भी इंक्लूडेड है, ठीक
ठीक है? सो नौटंकी नॉर्थ इंडिया में फेमस है, एंड यस आपको याद रखना है स्पेशल जो चीज है यहाँ पे वो है कि ये अबुल फजल की आयन ए अकबरी से जुड़ी हुई है। गाइस जस्ट अ मिनट, चलिए क्या बोल रहे हो, अनमोल इज राइटिंग समथिंग, नौटंकी भी बोलते हैं कई बार, 18 18 टांकी बोल देते हैं। ओके आशो, हिंदी में नहीं मिल रही है, एनसीईआरटी की साइट पे सर्च करो मिल जाएगी, एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल है। आप देखो मेरा काम है आपको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है? www.ncrt.nic.in यहाँ जाना, यहाँ पे बुक्स वाला खुलेगा, उस पर क्लिक करना, कौन सी क्लास की बुक चाहिए, बुक का नाम है ना, और किस मीडियम में चाहिए, सब सेलेक्ट करके आपको कोई भी नई वाली एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो नई वाली एनसीईआरटी है ये आप www.ncrt. है ना, www.ncrt.nic.in साइट है, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो नौटंकी के बारे में बेसिकली ये याद रखना है, एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और क्या बोलते हैं, हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना। अब यहाँ पे लिखा है एक ओजा पाली, असम में है ना, असम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, और यहाँ पे जो माँ मनसा है ना, आपको पता है माँ मनसा के बारे में एक बहुत फेमस कहानी है, आज जाके इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, माँ मनसा, एक तो माँ मनसा और एक असम का कामाख्या टेम्पल है, ठीक है? माँ मनसा और असम का कामाख्या मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, कामाख्या टेम्पल। क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है? कामाख्या टेम्पल, इसके बारे में थोड़ा जानना आपको। यहाँ पे पता है बच्चों, आप ये सारी चीजें पढ़ते रहोगे ना ऐसे अपने साथ साथ में इसके, तो देखना आप इतना अच्छा आंसर लिख सकते हो मेंस में, जब आर्ट एंड कल्चर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पे ना इंडियन सोसाइटी में बहुत टैबू है हर चीज का, जैसे मेंस्ट्रुएशन को आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे देखने को हमारे कल्चर की विविधता मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, और हमारे कल्चर की ब्यूटी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है? सो माँ मनसा के बारे में और कामाख्या मंदिर के बारे में एक बार पढ़ना आज। हाँ जी, माँ मनसा जी, ठीक है? थिएटर से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं अनमोल, हम लोग इस वीकेंड पे फ्राइडे को है ना एक तो अपना एमसीक्यू सेशन करेंगे, बाकी कल का लेक्चर देखना, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थिएटर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो कल का जो स्टार्टिंग का लेक्चर है वो एक बार देख लेना, ठीक है? माँ मनसा जो वहां की स्नेक गॉडेस मानी जाती है, उनके फेस्टिवल पे असम के अंदर ये स्पेशली फेस्टिवल फेस्टिवल बोल रही हूँ, इस फेस्टिवल पे ये ड्रामा किया जाता है, और यहाँ पे ये जो नैरेटर है जो आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है, जो आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है जो स्टोरी का नैरेटर है उसे ओजा बोलते हैं, ठीक है? ओजा, इसीलिए इसका नाम भी ओजा पाली रखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कैसे कोई, अगर देखो जैसे कि कोई भी ड्रामा है वो किसी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है ना, या वो किसी इंपॉर्टेंट डांस से जुड़ा हुआ है, या वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है,
या वो यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है, या उसकी अपनी कोई स्पेशल बहुत ही अलग सा फीचर है, तो एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं उसको पूछे जाने के, है ना? एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने के। एग्जैक्टली यस, है ना? वहां पे मेला भी लगता है कामाख्या मंदिर में, देखिएगा उस आज कामाख्या मंदिर के बारे में पढ़ना। बच्चों ये सब जो चीजें छोटी छोटी से हम करते रहते हैं ना इधर उधर, बहुत इधर उधर नहीं जाना क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, लेकिन यस कभी भी फ्री हो तो इतना कुछ पढ़ते हैं हम, है ना? बेटर है हम कुछ अच्छा कंज्यूम करें, तो थोड़ा सा कामाख्या मंदिर के बारे में आज जाके पढ़ लिया कि अच्छा कामाख्या मंदिर क्या है ना, और वहां पे क्या स्पेशलिटी है, कौन सा फेस्टिवल लगता है। मैम ऐसा क्यों बोल रही थी कि कामाख्या मंदिर के बारे में जाके देखना, मां मनसा क्या है। तो अगर आप छोटी छोटी सी चीजें पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे करके एक साल के अंदर आपके पास इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो जाएंगी जो आपको प्रीलिम्स का पेपर तो सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे डेफिनेटली। बच्चों इसके अलावा महाराष्ट्र का पोवड़ा ड्रामा है एक, है ना? पोवड़ा एक ड्रामा है, और ये जो ड्रामा है आपका, ये जो शिवाजी महाराज है ना, जो छत्रपति शिवाजी जी हैं उनके ऑनर में, उनकी जो लाइफ है, उनके जो स्ट्रगल है ना, उन्होंने कैसे मुगल्स को भी, मुगल्स की भी बात नहीं मानी थी, है ना? शिवाजी को बहुत कोशिश की गई थी कि कंट्रोल में ले लिया जाए, बट नहीं कर पाया, है ना? मुगल्स आपके राजपूत, है ना, ये कोई भी शिवाजी को हरा नहीं पाया, और शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो उनके जो ऑनर है, उनकी जो इज्जत है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये ड्रामा जो है ये शुरू किया गया था। उनके जो हीरोइक्स है ना, उनके जो लाइफ के स्ट्रगल हैं, उन्होंने किस तरीके से मुगल्स को चकमा दिया, राजपूतों को हार चखाई, इन सब के बारे में ये ड्रामा है पोवड़ा। यस गुरिल्ला पद्धति है ना, सब कुछ शिवाजी की स्पेशलिटी थी वो। बच्चों रमान फेस्टिवल, आप जब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट देखोगे ना तो आपको ये फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा वहां पे। फेस्टिवल नहीं ड्रामा, ठीक है ड्रामा। और ये जो आपका ड्रामा है, ये जो आपका रिचुअल थिएटर है, पता नहीं क्यों एंटरटेनमेंट में कुछ है, बट ये ठीक है, दिस इज रिचुअल, ठीक है, दिस इज रिचुअल थिएटर, ये आपको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर मिलेगा, और यूपीएससी प्रीवियसली इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अमन अभी आप पूछ रहे थे ना, अनमोल सॉरी, कि मैम कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई चीज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है तो आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा यार ये चीज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है, कब इंक्लूड की गई थी, है ना, कब इंक्लूड की गई, कौन से स्टेट से है, क्या है ये, डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, कोई स्पेशल हैंडीक्राफ्ट आर्ट है क्या ये, आपने वो देख लिया कि अच्छा ठीक है रमन जो है वो थिएटर है, उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड जो है वहां से है, और क्या ये किसी मंदिर से या किसी देवी से या किसी स्पेशल फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, तो यस कि मैम ने क्लास में पढ़ाया था कि ये एक रिचुअल थिएटर है, और वहां की जो लोकल देवी है भूमिया जी, है ना, जो भूमिया माता जी है उनके, आपके जो भूमिहार माता जी हैं उनके लिए ये स्पेशली उससे रिलेटेड है। और बच्चों एक और चीज बताऊं, अगर आपको इनको हमेशा देखो, ये मंदिर का बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फोटो, यहाँ पे पूरा वो मंदिर वाला प्रांगण है ना, और लोग परफॉर्म कर रहे हैं बीच में सेंटर में, बाकी सब लोग बैठ करके देख रहे हैं, है ना? तो एक मंदिर है जो सजा हुआ है, आपके भूमिहार माता जी का मंदिर, आसपास लोग बैठ के देख रहे हैं, और बीच में ये जो ड्रामा है ये परफॉर्म किया जा रहा है ना? इसके अंदर माता जी की एक तरीके से पूजा होती है, जो भूमियाल देव माता जी हैं उनकी एक तरीके से पूजा होती है इस ड्रामा के थ्रू, इस थिएटर के थ्रू। अब आपको एक और चीज बताऊं, आपको अगर याद रखना है ना चीजों को, स्पेशली आपके डांस ड्रामा इन सबको, आप एक काम कर सकते हो, पपेट्री वगैरह इन सबको याद करने के लिए एक हमेशा फोटो देख के पढ़ो, है ना? दूसरा जब कभी फ्री बैठे हो घर पे तो ना इनका YouTube पे कुछ ऐसे वीडियो सर्च कर लो। और कैसे सर्च करोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी देख लिया, नॉर्मल सर्च करो, है ना, कि भूमियाल देवता, रमन थिएटर,
थिएटर भी मत डालो चाहे, है ना, भूमियाल देवता, रमन ड्रामा उत्तराखंड, है ना। और जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, किसी ने ना लाइव परफॉर्मेंस डाला होता है वहां से, या किसी ने बहुत सुंदर वीडियोस बनाई हुई होती हैं, तो आप ना उनको देखो केवल। फिर देखो अगर आपने फोटोज देख ली आपने, और सब कुछ एक साथ नहीं देखना, एक दिन में दो तीन देख ली, दो तीन देख ली, अगर आप ऐसे इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ड्रामा देखोगे ना, तो मतलब ये पूरा वीडियो देखोगे, तो देखना आपको चीजें याद रहेंगी, आप ना भूलोगे नहीं इनको फिर कभी भी। स्वांग, आपके पंजाब एंड हरियाणा में, वहां पे ना बहुत, जो लोग पंजाब हरियाणा से हैं आई थिंक आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे, है ना। बच्चों आपके लिए एक पोल है, जल्दी से पोल में आंसर मार्क कीजिए। आप ना अगर पंजाब हरियाणा से होगे तो एक चीज को रिलेट कर पाओगे, मतलब आई हैव माय मैटरनल होम देयर, है ना। सो मेरी नानी जी वहां से हैं, आपने सुना होगा वहां पे लोग अगर आपने पागल से कपड़े पहने हुए हैं, ढंग से अपने आप को कैरी नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि क्या सांग रच रखा है, या फिर क्या सांग निकाल रखा है, क्या सांग काट रखा है। एनी वन फ्रॉम हरियाणा और पंजाब, एनी वन फ्रॉम हरियाणा और पंजाब, विक्रांत क्या बोल रहे हैं मैम, पर इन बातों को याद कैसे कर पाएंगे, ये तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत, वही है ना, वही कह रही हूँ कि याद कैसे करना है ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे बच्चों देखो इस हफ्ते में कुछ ऐसा तो नहीं है बहुत तोड़ कर लिया, पपेट्री पढ़ी है ना, तो पपेट्री का ना तुरंत ही लिस्ट बना लो, जैसे मैंने बोला है कि पपेट्री है ना, कौन से स्टेट से है, किस टाइप की है, उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्या, उसका थीम क्या है, एक टेबल बना लिया, उसको रिवाइज करते रहो और उनकी ना वो देखते रहो, क्या बोलते, वीडियोस देखी। एक हफ्ते में मान लो आपने ये किया, फिर दूसरे हफ्ते में कुछ और करो, तीसरे हफ्ते में कुछ और करो, और फिर टाइम से टाइम इनको रिवाइज करते रहो। एक बार आपने देख लिया ना ड्रामा होते हुए, फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो कि अच्छा यूट्यूब पे मैं गया, ये ड्रामा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे परफॉर्म करते हैं, फिर आपने पॉइंट्स अपनी बुक से पढ़ लिए, नोट्स जो बनाए हैं, और फिर देखना आप, है ना। जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो वापस यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ेगा आपको, या फोटो नहीं देखनी पड़ेगी, आपके दिमाग में वो फोटो छप जाएगी। देखो हाँ सांग वैसे तो ड्रामा है, लेकिन ना वहां पे एक लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि क्या सांग काट रखा है, या फिर क्या सांग निकाल रखा है टाइप्स, अगर कोई ढंग से कपड़े नहीं पहनता या ऐसे झल्ली की तरह घूम रहे तो, ठीक है, तो उसके लिए स्वांग शब्द यूज होता है वहां पे, बहुत ही कॉमन है। तो जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई है ना, आपको ये याद रह सकती है ये स्टोरी कि मैम ने ना क्लास में ऐसे कहा था पंजाब हरियाणा में ना ऐसे ऐसे होता है, तो आपको तुरंत कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि स्वांग पंजाब हरियाणा से है, ठीक है। तो सांग जो है वो पंजाब हरियाणा से एक म्यूजिकल ड्रामा है, एक म्यूजिकल ड्रामा है, तमाशा। तमाशा बच्चों आपके महाराष्ट्र से है, ठीक है, आपके महाराष्ट्र से है, और इसके अंदर हंसी ठिठोली जो हम बोलते हैं, ह्यूमर है ना, और लव स्टोरीज वुमेन परफॉर्म करती हैं मोस्टली, है ना। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र से है, इसके अंदर ह्यूमरस जो एंगल होता है, हंसी ठिठोली करना है ना, एक दूसरे को छेड़ना, या अपना जो क्या बोलेंगे उसको, सेंशुअल, आपका जो सेंशुअलनेस है ना कि आप अच्छे से ड्रेसअप करके किसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो, तो इरोटिसिज्म जो हम बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में हम जिसको इरोटिसिज्म बोलते हैं, कुछ वैसा ये ड्रामा है, इसकी स्पेशलिटी ये है। तो आपको ये याद रखना है कि यार अच्छा तमाशा जब बता रही थी तो मैम ने कहा था कि तमाशा हंसी ठिटोली है, कभी कभी बोलते हैं ना क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, अगर आप क्लास के अंदर हैं ऐसे स्टोरीज को याद कीजिए, क्लास के अंदर हैं आप, कॉलेज वगैरह में अगर पढ़ते हो, तो अगर कोई एकदम से आ गया प्रोफेसर या स्कूल में, तो क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, या आपके पेरेंट्स घर पे आप बहुत हंसी मजाक कर रहे हो किसी से, अपने दोस्त लोगों से, दे विल कम एंड से कि क्या तमाशा करा हुआ है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि तमाशा का मतलब होता है हंसी ठिटोली, ह्यूमर। और मैम ने भी कहा था कि यस इस ड्रामा में भी यही होता है ना, सो यू कैन रिकॉल द थिंग्स लाइक दिस। हाँ सांग मतलब वही झल्ली होता है जो अपन लोकल लैंग्वेज में झल्ली बोलते हैं, लोकल में भी नहीं हम, है ना, अपन लोग बोलते हैं बस।
बच्चों हम साउथ इंडिया के थिएटर्स को देखते हैं, और यहाँ से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे नहीं पता आपका जो एग्जामिनर है ना, मुझे नहीं पता आपके एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा साउथ इंडियन होते हैं या क्या होता है, लेकिन यस आई हैव सीन कि स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन साउथ इंडिया से होते हैं। अच्छा, तो मेरी क्लास में हरियाणा और पंजाब से बहुत कम लोग हैं। बच्चों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको सब क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो यक्षगणा, इसमें यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 और 15 में, शायद 2014 या 2015 में। यक्षगणा, जब मैं आपको अभी इस वीकेंड पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी ना क्लास के अंदर, तो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए। यक्षगणा, यहाँ पे ये आपके कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से है बच्चों, है ना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से है, और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये विजयनगर साम्राज्य जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत मायने रखता है ना, लगभग 200 साल तक काफी मायने रखता है ये विजयनगर साम्राज्य। ब्रॉडली आपकी 1300 से आपका जो 1500 वाला पीरियड है ना, 200 साल जो है वो विजयनगर साम्राज्य साउथ इंडिया में बहुत मायने रखता है, और इसके टाइम पे आपका जो यक्षगणा थिएटर है ना, ये ओरिजिन हुआ। तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट अब नहीं भूलना है कभी भी, कि यक्षगणा जो है वो कर्नाटका और आंध्रा में है, जहां पे विजयनगर साम्राज्य का भी रूल था, एंड यस विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे ये जो है वो ओरिजिन में आया। आप यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देख सकते हो, कुछ इमेजेस। अनमोल कह रहा है मैम क्लास ना, मैम आपकी क्लास को नितिन करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक चोरी कर लिया गया। बुक का ध्यान रखो यार। कह रहा अनमोल कह रहा है शायद हरियाणा तक ना किताब पहुंच नहीं रही है मैम, हरियाणा तक क्लास पहुंच नहीं रही है, हरियाणा पंजाब तक पहुंचानी पड़ेगी भाई, नहीं पहुंचेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। है ना, बुर्रा कथा, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश से है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका नाम बुर्रा कथा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बुर्रा, ये जो आप ढोलकी टाइप देख रहे हो, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो आपके ढोलक वाले है ना वो, तो एक स्पेशल टाइप का ये जो ढोलकी यूज किया गया है इसके हाथ में है, इसके वजह से इसको बुर्रा कथा कहते हैं। तो ढोलकी के साथ में कोई स्टोरी जो है उसको नरेट की जाती है ना, ढोलकी के साथ में कोई जो स्टोरी है उसको नरेट की जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इसके हाथ में ढोलकी है, इसके हाथ में ये स्पेशल वाली ढोलकी है बुर्रा, और बीच में जो खड़ा है वो आपका तानपुरा टाइप में कुछ लेके ये भी बजा के, यानी म्यूजिकल नरेशन है ये एक तरीके से, ठीक है, म्यूजिकल ड्रामा है ये बुर्रा। और बुर्रा का नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो बुर्रा है। थैयम, थैयम जो ड्रामा है बच्चों, आप में से मुझे कोई बताएगा कि जो थैयम है उसकी ना एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, अगर आप इसको गूगल सर्च करते हो थैयम को, है ना, तो आपको ना एक स्पेशल सी फोटो दिखाई देगी हमेशा। एनी वन ऑफ यू थैयम ड्रामा सर्च करते से आपको फोटो में क्या दिखाई देता है, इज इट बफरिंग बच्चे, बफरिंग हो रहा है क्या, कुछ ऐसा है क्या, मेरे एंड पे तो एवरीथिंग इज ओके, नहीं जादू टोना वाला नहीं है। यहाँ पे ना जो ये हेड के मास्क वगैरह यूज किए जाते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं थैयम में, थैयम के अंदर
जो आपका हेड गेयर होता है पूरा, है ना, और जो फेस का मास्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। हेलियम आपके केरला से है, ठीक है, आपके केरला से है। संगम लिटरेचर में भी, जो सत्यम पूछ रहे थे, संगम लिटरेचर, बेसिकली संगम क्या होता है, संगम मतलब होता है कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, असेंबली, है ना, संगम मतलब होता है असेंबली। और ये आपके जो पांड्यास थे मदुरई वाले, वो ऐसी कुछ असेंबलीज को या संगम को ऑर्गेनाइज करते थे, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और इन यहाँ पे वो डिफरेंट जो एरियाज हैं, जैसे चेरास के यहाँ से भी, उस टाइम पे जो चोलास थे उनके यहाँ से भी, जो भी आपके डीप साउथ के अंदर, आपका डीप साउथ मतलब ये वाला हिस्सा है ना, आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के साउथ में। आपका जो ये डीप साउथ है, इस एरिया के अंदर पांड्यास थे यहाँ पे सेंटर में मदुरई में। ये क्या करते थे, कुछ असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते थे जिनको हम संगम कहते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे पोएट्स हैं, जो आपके चारण होते हैं, आपके भाट होते हैं, आपके कवि होते हैं, उनको बुलाया जाता था। और ये कवि जो हैं, ये कुछ पोएम्स कंपोज करते थे। इन पोएम्स का जो थीम था वो मोस्टली दो होता था, अहम एंड पुरम। एक जो है वो आपके जो वॉर हीरो हैं उनसे डील करता था, और जो दूसरा होता था वो उनकी लव स्टोरीज वगैरह से भी डील करता था। तो कुछ लव स्टोरी बेस्ड थीम थे, और कुछ आपके जो वॉर हीरोज होते हैं उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए डेडिकेटेड थे। संगम लिटरेचर की स्पेशलिटी ये है बच्चों, कि यहाँ पे जो आपके लव वाली पोएम्स हैं, जो आपके वॉर हीरोज हैं उनके बारे में जो पोएम्स हैं, उनकी क्या बोलेंगे, स्तुति में, उनकी प्रेज में, उसके साथ साथ में संगम लिटरेचर हमें उस टाइम के जो पॉलिटी है ना, राजनीति, उस टाइम की जो इकोनमी है, उस टाइम की जो ज्योग्राफी है आपकी, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है साउथ की, है ना, जो राजनीतिक कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो सामाजिक कंडीशंस हैं, उन सब के बारे में भी नॉलेज देती है। तो डीप साउथ के बारे में जानने के लिए संगम लिटरेचर हमारा बहुत अच्छा सोर्स है। आई होप सत्यम समझ में आ गया होगा। हाँ, पोएट्स जो है उनकी असेंबली होती थी, है ना। सो बच्चों, थेयम जो है वो आपके केरला से है। इस ये संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया संगम लिटरेचर क्या है। और ये कल हमने एक भूता थिएटर पढ़ा था कर्नाटका का, जिसमें अपने जो एंसिस्टर्स हैं, जो डेड एंसिस्टर्स हैं, है ना, जो हमारे मृतक हैं, बड़े बुजुर्ग जो मृत जो जो मर चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, उनको हम पूजा करते हैं, उनकी हम वर्शिप करते हैं। सो ये उसका जैसा ही है, ठीक है, थीम में ये उसका जैसा ही है। और इसकी स्पेशलिटी होती है, थैयम में बहुत बड़े बड़े हेड गियर्स पहने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण अट्टम जो है वो डांस ड्रामा है आपके कर्नाटका से, है ना, वो डांस ड्रामा है आपके कर्नाटका से। एंड 8 डेज तक भगवान कृष्ण जो है ना, भगवान कृष्ण जो है उनकी लाइफ स्टोरी से जुड़े हुए जो भी डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। तो पूरा 8 दिन का कार्निवल होता है कृष्ण अट्टम, है ना, कृष्ण अट्टम कर्नाटका से है, और पूरे 8 दिन का एक रिचुअल चलता है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण अट्टम, आपको अट्टम समझ में आना चाहिए, होता है डांस होता है, ठीक है, अट्टम अट्टम मतलब होता है डांस। जब कृष्ण अट्टम कोई कह रहा है तो कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड डांस ड्रामा परफॉर्म होगा वहां पे। पर आपको स्पेशलिटी क्या याद रखनी है, कि 8 डेज तक होता है, 8 डेज तक होता है। फिर एक है कुरावंजी, ठीक है, कुरावंजी, कुरावंजी जो है आपके तमिलनाडु से है,
और इसमें क्या होता है कि एक लेडी है, ठीक है, एक लेडी है, शी इज लव स्ट्रक, है ना, प्रेम में पागल। जो हीरोइन होती है मेन, शी इज लव स्ट्रक, है ना, प्रेम दीवानी, शी इज प्रेम दीवानी। एंड दिस लेडी नाउ वॉन्ट्स कि इसके भविष्य में क्या होगा, है ना, इसके भविष्य में क्या होगा, इसका क्या लिखा हुआ है। तो ये अपना हाथ दिखाती है, वो एक आप यहाँ पे इंसिडेंट देख सकते हो। तो एक हीरोइन है सेंटर में, है ना, एक यहाँ पे एक ये बैठा हुआ है इंसान, और बाकी लोग भी देख रहे हैं उसको। तो ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है मेन हीरोइन, ये प्रेम पागल है ना, शी इज पागल इन लव, शी इज लव स्ट्रक, जो इंग्लिश में लव स्ट्रक हीरोइन बोलते हैं, जो पूरी तरीके से प्रेम में मोहित है, एंड ये अपना भविष्य जानना चाहती है। तो किसी फॉर्चून टेलर के पास में, जो आपके ये होते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हाथ देख के आपका भविष्य बताते हैं, उसके पास गई है और उससे पूछने की कोशिश कर रही है। ये ड्रामा उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये ड्रामा उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो कुरावंजी शब्द है उसका ही मतलब होता है फॉर्चून टेलर, जो आपको आपका भविष्य बताता है। बच्चों क्लास तो मेरी शुरू हो गई थी, 11 बजे है, तुम लोग 11:40 में पहुंच रहे हो। बच्चों मुद्दे ये टू, मैंने आपको कल एक और होमवर्क दिया था, अगर गुड स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास यू मस्ट हैव डन दैट, कि जो आपकी मार्शल आर्ट्स होती है ना, जो आपकी मार्शल आर्ट्स होती है, चाहे वो ठांगता हो गया, है ना, चाहे मैंने आपको कल कलारी पे टू के बारे में बताया था, ऐसे डिफरेंट स्टेट से कुछ मार्शल आर्ट्स हैं, प्लीज उनकी लिस्ट बना लीजिए, है ना, और उसको अच्छे से पढ़ लो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। मुद्दे ये टू, केरला से है, और आपको यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो ये है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मोस्टली जो केरला वाले होते हैं, है ना, डांस ड्रामा, उनके अंदर हेड गियर कथकली का हमें प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। आपका थेयम देख लो, है ना, सो जनरली यहाँ पे आपके कथकली जो है उसका हमको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मुद्दे ये टू की स्पेशलिटी है कि जो आपके गॉडेस काली है ना, जो काली माता जी है, और जो डेमन है आपका दारिका, उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है ना, उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है वो इनका मेन थीम होता है मुदीयट्टू का। सत्यम कल का क्वेश्चंस मैंने रिव्यू नहीं किया क्योंकि मैंने शुरू में देखा था, एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल कल ना, तो मैंने ज्यादा देखा नहीं, बट हाँ आपका आंसर मैंने देखा था, क्लास के तुरंत बाद आपने इंटेंजिबल के बारे में लिखा था, है ना, वो मैं एक बार रिव्यू कर लूंगी। बच्चों ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको और डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहते हो, प्रीलिम्स और मेंस का अच्छे से प्रिपेयर करके, विद मॉक टेस्ट, है ना, पीडीएफ नोट्स इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर, एंड मेंस आंसर राइटिंग सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप हमारा सुपर कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम आपको प्रीलिम्स और मेंस का सारा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप साइट पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हो, है ना, हम आपको जीएस सीसेट ऑप्शनल सब डिटेल में अच्छे से करवा रहे हैं वहां पे। आपकी जो फीस है वो 2500 रुपये पर मंथ है, आप चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, SON20, दिस इज माय कोड, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इसके ऊपर। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैंने आज से यहाँ डालना शुरू कर दिया, आज बता दे रही हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, अगर आप चाहते हैं बच्चे तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक चैनल है ये, यहाँ पे आपको इस क्लास के सारे लिंक्स, बाकी भी कोई अनाउंसमेंट है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, वो सब मिल जाते हैं। डांस ड्रामा मैंने आपको बता दिया आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ पे हमने कुछ रिवाइज भी किया कि कैसे पढ़ना होता है। बच्चों देखो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक बार बता सकती हूँ, या कोई भी आपको बता सकता है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको घर पे जाके इसको पढ़ना कैसे है ना, कि वीडियोस देखिए,
फोटोज देखिए, नोट्स को ऐसे बनाना है, बट काम तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना? काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करके दे सकता, याद तो करना पड़ेगा। और याद मल्टी कैसे रहे, तो एक बार शुरू में जब पढ़ रहे हो तो वीडियो देख लो, फोटोज देख लो, क्लास को सुन लो और नोट्स बना लो। जब एक बार ये कर लिया तो नोट्स पे ही बार बार वीकेंड पे उसको रिवाइज करो, ठीक है? और यस, इस फ्राइडे को हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी और कुछ नए क्वेश्चंस, ताकि एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी, ठीक है? साक्षी क्या पूछ रही है? मेरे लेक्चर तक याद रहता है जो मैंने दिया और फिर भूल जाते हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? फोकस करो भाई, फोकस फोकस फोकस। फ्राइडे फ्राइडे बच्चों, क्लासिकल डांसेस। अब हम इसका भी बेसिक देखेंगे, जैसे हमने ड्रामा का देखा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, है ना, वो आपकी बेसिक जो चीजें हैं उससे भी आपसे पूछे जाते हैं। सो किसी भी चीज का, जैसे ड्रामा का हमने बेस देखा है ना, उसका बेसिक समझा और फिर हम ड्रामास पे गए, तो वैसे ही जो डिफरेंट क्लासिकल डांसेस हैं वो तो आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो कि भाई ये डांस है, इस स्टेट से है, इसका थीम ये होता है, कपड़े ये होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से जुड़ी हुई ये है, ये तो आपसे अक्सर कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बट यूपीएससी में थोड़ा सा आपसे इन डेप्थ जाके पूछ लेते हैं। तो अगर डांस के ओरिजिन के बारे में हम बात करें, तो कहा जाता है कि जो भरत मुनि है ना, जो भरत मुनि है, उनकी एक किताब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र आपको जान के हैरानी होगी कि पता नहीं भरत नाम का कोई इंसान था भी नहीं, था या ना नहीं, क्यों पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे मैंने तीन शब्द को अलग अलग से अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखना, भा रा एंड ता, भरत है ना, भरत मुनि, या जो भरता मुनि है नाट्य शास्त्र जिनकी किताब है, जहां पे हमको डांस के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है, ठीक है? डांस के बारे में सबसे पहले हमको यहाँ से लिटरेरी सोर्स है जिससे हमको जानकारी मिलती है। भा, भा स्टैंड्स फॉर भाव, एक्सप्रेशन, है ना, भाव, एक्सप्रेशन। ता, ताल, आपने वो गाना सुना होगा, ताल से ताल मिला, है ना, रिदम। जो गाने का क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे किस तरीके से जाएगा, रिदम जो होता है, ताल, ताल मैच करो। एंड र इज स्टैंड्स फॉर राग, राग। मैं आपको राग के बारे में बताऊंगी, है ना? सो भ भाव एक्सप्रेशन, ताल इज रिदम एंड राग इज मेलोडी। है ना, मेलोडियल जो आपका, जो मेलोडियस एस्पेक्ट है, सॉरी, मेलोडियस जो एस्पेक्ट है, जो हम अक्सर अपना म्यूजिक वगैरह जब डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं मेलोडी, है ना, ताल रिदम। एंड भाव एक्सप्रेशंस की जब हम बात करते हैं, जब मैं आपको कल ड्रामा के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको कहा था कि नाट्य शब्द, नाटक शब्द, है ना, नाटक या नाट्य शब्द यूज किया जाता है, संस्कृत के नाट्य शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है नाटक।
और हमने ड्रामा के अंदर भी देखा कि आपके भाव या एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना, भाव या एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जो भारत है, कहीं ऐसा पता नहीं ये रियल नाम है या फिक्टिशियस नाम है ऐसे ही, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे हम म्यूजिक पे है ना, जो हम डांस पे स्पेशल एलिमेंट्स पे जो फोकस करते हैं, भाव राग ताल, उससे मिलके ये नाम बना हुआ है। कहा जाता है जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब लिखी। हाँ, 8 जो क्लासिकल डांसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं ठीक है बेसिक्स में। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन। सो बच्चों, भारत भाव राग और ताल जो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे क्लासिकल डांस म्यूजिक वगैरह के, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इन्होंने एक किताब लिखी नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में कहा गया कि देवता जो है वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा है ना कि टाइम पास करने के लिए कुछ बनाओ ना, जैसे हम कहते हैं ना अंताक्षरी है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पहले ऐसा होता था बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, अंताक्षरी शुरू करते हैं, वैसे वाला वो एक होता था जब हम छोटे होते थे तब। वैसे ही जो देवता है वो गए आपके भरत मुनि के पास और कहा कि बोर हो रहे हैं बहुत, क्या किया जाए। तो फिर कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने नाट्य जो है ना, जो आपका डांस है उसको बनाया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो नृत्य नृत्य और नाट्य मैंने कल बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है। उन्होंने अपनी किताब का नाम नाट्य शास्त्र लिखा है। तो कहा गया कि एक जो डांस है, पंजाब हरियाणा तक क्लास तुम लोग पहुंचाओगे ना, मैडम कैसे जाए क्लास को लेकर के। हाँ ठीक है। उसके बेसिस पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, हम जो डांस है उसको बनाते हैं ठीक है, जो डांस है उसको बनाते हैं, और आपके नाट्य शास्त्र को है ना, आपके नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। जहां अभी तक हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जहां पे आपके देवी देवताओं की स्तुति में है ना, देवी देवता जो आपके गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनकी प्रेज में सॉन्ग्स लिखे गए हैं, हिम्स लिखे गए हैं, मंत्रास लिखे गए हैं, सामवेद जिसको हम फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक कहते हैं, दुनिया की पहली संगीत पे कोई किताब है तो वो है सामवेद। सामवेद के अंदर ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको ट्यून दी गई है, उनके अंदर मेलोडी डाली गई है ना, उनके अंदर मेलोडी डाली गई है, उनका ट्यूनिंग किया गया है। सो हम बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद है ना, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जहां चार वेद हैं आपके, वहां पे पांचवा वेद है आपका नाट्य शास्त्र। ये तो हो गया बेसिक, चलो ठीक है कि ऐसे नाट्य शास्त्र में लिखा है कि गॉड्स बोर हो रहे थे और उसके वजह से ब्रह्मा जी ने नृत्य या आपका जो डांस है उसको बनाया, और नाट्य वेद को इसीलिए पांचवा वेद माना जाता है। अगर हम भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसका टाइम पीरियड देखें तो बच्चों कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं 200 BC से 200 AD के बीच में, जिन लोगों को BC AD नहीं आता, इसी चैनल पे सुपर IAS बाय टेस्ट बुक पे बच्चों मेरा प्लेलिस्ट के अंदर हिस्ट्री के लेक्चर्स है एंशिएंट के, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको BC AD ये सब समझाया है, तो शर्माने की कोई बात नहीं है, आप आराम से उसको देख सकते हो, बेसिक्स है वो है ना जीरो। माना जाता है कि इसके बीच में लिखा गया, पर कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन आपको याद है हम जब एंशंट इंडिया पढ़ रहे थे तो हमने इस पीरियड से पहले भी, 200 BC से पहले भी एक बार डांस का जिक्र किया हुआ है। एनी वन ऑफ यू, बच्चों एनी वन ऑफ यू, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। यस,
एनी वन ऑफ यू? हड़प्पा की डांसिंग गर्ल का फिगर याद है? यस एग्जैक्टली तापसी, त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई वो डांसिंग गर्ल का फिगर जो हमें मोहनजोदारो से मिला है, ब्रॉन्ज फिगर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना? यस यस अनुज, है ना? सो यस गाइस, जो आपका हड़प्पा वाली डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो त्रिभंग मुद्रा में है। त्रिभंग मुद्रा हमारे यहाँ क्लासिकल डांसेस में आज तक बहुत ही कॉमन फीचर है, जहाँ पे आपकी नेक, है ना, गर्दन पे, आपकी कमर पे और आपके नीज पे, घुटनों पे, तीन जगह पे फिगर्स मुड़ बेंड होते हैं, है ना? फिगर्स जो है वो बेंड होता है। तो ये जो त्रिभंग, मतलब तीन जगह पे भंग है, गर्दन पे, आपकी कमर पे और आपके घुटनों पे या नीज पे, ये जो डांसिंग गर्ल का हमको फिगर मिला है। एक मिनट यार, यहाँ क्या हो रहा है ये? यस यस सत्यम, है ना? सो यस गोसिया, त्रिभंग मुद्रा, ठीक है? सो हमको पहला जो एविडेंस मिला है डांस का, वो हमें हड़प्पा से मिलता है ना, 2600 BC से लेके 1900 BC वाले पीरियड में। और उसके बाद में अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें कि लिखा हुआ हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वो हमको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर मिलता है, जिसका टाइम पीरियड कुछ ऐसा है, बट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है? बट फिक्स्ड नहीं है। भरत मुनि कहते हैं कि उनका ये जो है ना, कि जो डांस है वो कंप्लीट आर्ट है। भरत मुनि क्या कहते हैं? जो डांस है वो कंप्लीट आर्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको म्यूजिक भी मिल रहा है, उसके अंदर जो पोस्चर्स बनाती हैं डांसर, है ना, जिस मुद्रा में वो आती हैं, वो आपको मूर्ति कला का भी एग्जाम्पल देता है, स्कल्पचर्स का। उसके अंदर पोएट्री फॉर्म में भी नरेशन होता है, कविता की तरह ड्रामा भी इंक्लूड होता है। तो जो आपका डांस होता है ना, क्लासिकल डांसेस अगर आप देखोगे तो उनके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से आपके म्यूजिक, आपकी पोएट्री, है ना, आपका ड्रामा और आपका स्कल्पचर, जो मूर्ति, सबका समावेश होता है। इसलिए भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में डांस को कंप्लीट आर्ट कहते हैं। डांस के अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें बच्चों, तो इंडियन क्लासिकल डांसेस दो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, या तो लास्य कैटेगरी या तांडव कैटेगरी। तांडव में आप भगवान शिव जी जो है ना, जो शिव जी हैं, उनका तांडव डांस याद कर लो, तो वो देख लो कैसा होता है। सो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा रिदम होती है। एंड बहुत फास्ट मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट्स का, है ना? भगवान शिव का जो तांडव है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा रिदम, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमारे कुछ डांसेस जो हैं, या किसी डांस के किसी पार्ट के अंदर तांडव भी देखने को मिलता है, जिसे हम मेल, है ना, जिसको हम मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस बोलते हैं। बच्चों कुछ बफरिंग वगैरह हो रहा है क्या? यस, बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है ना, एनर्जी, रिदम, मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं मेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस, है ना? इसके अंदर हमको मेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस हम बोलते हैं उसको। आपने, मुझे नहीं पता किसकी पोयम है, बहुत फेमस पोयम है, लाश्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंशमीरा और शिव के विष पिया और जिए हैं, ठीक है? दिस इज अ वेरी फेमस पोयम, आई डोंट नो द पोएट्स नेम, बट यस। एक मिनट, सॉरी।
ठीक है, वंश मीरा और शिव के विष पिए और जिए हैं। सो बहुत ही फेमस लाइन है ये। तो लास्ट से भी हमने किए हैं, तांडव भी किए हैं। तांडव क्या होता है? जो फुल ऑफ एनर्जी है, रिदम है, मूवमेंट है, जो हमारे मेल एस्पेक्ट को दिखाता है। दूसरी तरफ हमारे डांस में होता है लास्य एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं फेमिनाइन, कि जो महिलाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ एस्पेक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो बहुत ग्रेसफुल होता है। ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा ग्रेस होता है, एक्सप्रेशंस पे बहुत फोकस किया जाता है। सो ये बहुत ग्रेसफुल होता है, स्लो होता है। अगर हम टेम्पो की बात करें तो बहुत स्लो टेम्पो वाला होता है, बहुत ग्रेसफुल होता है, एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत, है ना, जो आपके भाव है, जो आपके एक्सप्रेशंस है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। अभिनय या जो आपका ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। अब हमारे डांसेस ऐसे भी हैं जिनमें तांडव भी है और लास्य दोनों मिल जाएंगे आपको एक ही डांस के अंदर। बट यस, हमारे कुछ डांस हैं जो प्योरली आपके लास्य कैटेगरी में फॉल करते हैं या प्योरली आपकी तांडव कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको लास्य का एग्जाम्पल दूं तो एक डांस है मोहिनी अट्टम। जब भगवान कृष्ण मोहिनी, मोहिनी क्या होती है? वन हु अट्रैक्ट्स, है ना, जो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करती है, एंचेंट्रेस, जो सबको मोहित करती है, मोहिनी। सो भगवान कृष्ण जब मोहिनी का अवतार लेते हैं, जो आपके असुर है, दानव है, उनको भटकाने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा स्लो टेम्पो पे, है ना, अपनी बॉडी को पूरा मूव करते हुए ग्रेसफुल मैनर में, आंखों का एक्सप्रेशन, बॉडी का मूवमेंट, इस पे फोकस करते हैं। तो जो ऐसे डांस होते हैं उसको हम लास्य कहते हैं। सो हमारे कल्चर में जितना मेल एस्पेक्ट पे फोकस किया है, उतना फेमिनाइन एस्पेक्ट पे भी फोकस किया है। जहां हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, वहां हम ये बात भी कर सकते हैं। सो हमारा कल्चर कभी भी मेल फीमेल में इतना डिफरेंस नहीं करता था, जो कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यस, माधुरी, है ना, जब वो ग्रेसफुल मैनर में डांस करती है, कांट स्टॉप। बच्चों ये आप एक बार देख लीजिए बिफोर आई एंड। आप हमारा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं। राहुल शर्मा सर आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं, मैप वर्क वगैरह करवाते हैं। आई एम सोनप्रिया, जो लोग नहीं जानते, मैं आपकी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस ले रही हूँ। इसके अलावा अनिरुद्ध सर हैं, जो आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हैं, आपकी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं अच्छे से, है ना। तो यू कैन ज्वाइन इट, आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा। एंड यस, जो मैं आपको शाम को 4 से 5 वाली क्लास में पढ़ाती हूँ, उसका आपका एक मास्टर क्लास होता है टेक्स्ट बुक की ऐप पे, 6 से 6:30, और वहां पे हम जो कुछ दिन में पढ़ते हैं यहाँ पे, उसका आपको 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं, तो जो सुपर कोचिंग की मैंने आपको फीस बताई है 2500 रुपये पर महीना, उस पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल सकता है। रोज एक बच्चे को मिलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो हफ्ते में 5 लोग स्कॉलरशिप जीत रहे हैं। यू कैन ज्वाइन इट। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और इसको जितना ग्रुप में शेयर कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो। तो अनमोल जैसे कह रहे थे ना, पंजाब हरियाणा पहुंचाना है, वो काम आपका। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।